हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल सिंह चौहान केडीएम क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एंटोमोलॉजी का अगला वीडियो जो मेटामॉर्फोसिस से कनेक्टेड है उसे लेके आया हूं आपके सामने। और उसमें हम आज एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं, और एग्जांपल जो है वो मेटामॉर्फोसिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों को अलग से डिफ्रेंशिएट करके और फिर उन्हें थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा मेरी बात को फिर से। अपन ने कल की क्लास में देखा था डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसमें एक स्टेज होती है, उसमें एक की पॉइंट पढ़ा था हमने न्यूट, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अडल्ट, और कॉम्प्लेक्स से इनडायरेक्ट में पढ़ा था हमने लार्वा और प्यूपा। तो अब मैं उस डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के अंदर होमोपेरा, हेटरोपेरा, आइसोपेरा, थिसिनोपेरा और ऑर्थोपेरा के ऑर्डर की स्टडी करने वाला हूँ और उनके एग्जांपल के बारे में ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। सेम एज इट इज अपन कॉम्प्लेक्स से इनडायरेक्ट में भी देखेंगे उसके चार ऑर्डर जो हमने कल डिस्कस किए थे, कोलियोपेरा, लेपिडोपेरा, डिप्टेरा और हाइमेनोपेरा। तो हम अब इनमें एग्जाम्पल को याद करने से पहले कुछ इंसेक्ट के बारे में ऐसे पॉइंट जो आप उन इंसेक्ट को आसानी से पहचान पाए, जो हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है, हम इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा इंसेक्ट क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि बीटल क्या होता है तो हर कोई समझ में से बाहर रहता है कि बीटल होता क्या है। होता तो एक इंसेक्ट ही है पर वो हमें कैसे आइडेंटिफाई हो, तो मैं उसका कोई एक ऐसा एक एग्जांपल दूंगा जो आप कॉमनली देखे हुए हो। तो आप यहाँ से अपन बात करेंगे पहले डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस में होमोपेरा, इसके दो एग्जांपल आप अच्छे से याद कर लें, एफिड्स और लीफ ओवर। एफिड और लीफ ओवर दोनों ही सीरियस क्रॉप या कोई सी भी क्रॉप हो जिस क्रॉप में लीव जो होती है वो लीव्स के लोअर सरफेस पे लगे हुए इंसेक्ट होते हैं, वो ये बहुत लीफ की सरफेस जैसी होती है, ग्रीन होती है, उस ग्रीन कलर के ही ज्यादातर पाए जाते हैं। वैसे इनके कलर वेरी भी करते हैं कि वो किस लीफ में है। तो एफिड या लीफ ओवर दोनों ही सकिंग पेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सकिंग पेस्ट का मतलब हुआ कि वो लीफ के सतह पर लग के और उसके उसके लिक्विड को, उसके प्लाज्म को, उसके प्रोटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब सक कर लेते हैं, और सक करने के कारण उस प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। अगर हम उसकी थोड़ी सी और अंदर प्लांट की बात करें तो उसमें लिक्विड कम हो जाएगा तो कहीं तो प्रोडक्शन कम कर देगा, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाएगी, उसमें प्रोडक्शन कम आएगा। तो एफिड हो या लीफ ओवर हो, ये दोनों ही सकिंग पेस्ट है, दोनों को आप आइडेंटिफाई करें। ये दोनों लीफ की लोअर सरफेस में, एफिड आपको कॉमनली लीफ की लोअर सरफेस में मिलेगा, लीफ ओवर जो होते हैं थोड़े से इससे बड़े साइज के होते हैं, दोनों ही सकिंग पेस्ट है। ठीक है, सकिंग पेस्ट मोस्टली लीफ की लोअर सरफेस में मिलते हैं, अगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो पूरे प्लांट पे भी मिल सकते हैं। सेम एज इट इज बग जो होती है वो आपको होती तो इंसेक्ट ही है। इंसेक्ट में इसकी साइज जो होगी वो एक नॉर्मल इंसेक्ट की तरह आप इसको मान के चलो कि आपने ऐसा इंसेक्ट देखा होगा जिसमें जो ब्लैक कलर का होता है, थोड़ी लंबाई ज्यादा रखता है, वो बग होता है। हमें टर्माइट, दीमक सब देखे हुए हो, थ्रिप्स जो है वो आपको इन एफिड की तरह ही दिखाई देंगे, पर इसमें वो लगभग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, उनकी वो जो इंसेक्ट है वो एकदम ऐसे चमकीला टाइप का दिखेगा, चमकीले का मतलब उनमें ट्रांसपेरेंट, वो पारदर्शी दिखेगा। तो थ्रिप्स जो है वो एक थाइसेनोपेरा ऑर्डर का एक एग्जांपल होगा। ऑर्थोपेरा, लोकस्ट, देखो आप इनको ऐसे याद करो कि थ्रिप्स हुआ, लोकस्ट हुआ, ग्रास ऊपर हुआ, सबसे छोटे, बहुत ही छोटे ग्रास ऊपर की तरह स्ट्रक्चर वाले इंसेक्ट, उनको आप थ्रिप्स माने। उससे बड़ी साइज के लोकस्ट जिसको हम टिड्डी दल बोलते हैं वो माने, और उससे बड़े जिसे आप राम जी का घोड़ा बोलते हो वो ग्रास ओवर, ये सब, ये दोनों
और कॉकरोच, ये हम एग्जांपल जो देख रहे हैं ये बाइटिंग टाइप के होते हैं, ये कट करके खाने वाले इंसेक्ट है, और जबकि यहाँ पे ये दोनों सकिंग टाइप के थे, सकिंग टाइप के थे, ये बाइटिंग टाइप का है। हम इससे रिलेटेड स्टडी में अलग से वीडियो करने वाले हैं। तो मेरा मेरा पर्पज आपको समझाने ये हुआ कि होमोप्टेरा, हेटेरोआइसोर, फिसेनॉफ, ऑर्थोप्टेरा के एक एक एग्जाम्पल याद रखें। होमोप्टेरा एफिड लीफ हॉपर, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। हेटरोप्टेरा बग, हेट्रो बग, आइसो टर्माइट, टर्माइट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइसोप्टेरा। थिसेनोप्टेरा थ्रिप्स, थिसेनो थ्रिप्स, टीएच का एग्जाम्पल टीएच। ऑर्थो लॉकस्ट, ग्रास ऑपर, कॉकरोच। ऑर्थोप्टेरा के तीन एग्जाम्पल है, लोकस्ट, ग्रास ऑपर और कॉकरोच। देखिए डियर, इनमें जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यही सिलेक्टेड है, आप इनमें से ज्यादा कॉमन नहीं करना कि इनमें से भी कोई एग्जाम्पल और छोड़ दें। मैंने पहले ही छोड़े हुए एग्जाम्पल हैं वो जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये सारे एक एग्जाम्पल है वो अपना बहुत अच्छा की पॉइंट रखते हैं, वो सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, चाहे आप डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस की याद करेंगे या इनडायरेक्ट की बात करेंगे। इनडायरेक्ट में बात करें कोलियोप्टेरा, बीटल्स, लेडी बर्ड बीटल, आपने उस इंसेक्ट को देखा होगा जिसको अपन हाथ में रखते हैं तो वो चलता है, तो उसमें थोड़ी गुदगुदी होती है और उसमें डॉट 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 ब्लैक कलर के, रेड कलर का होता है और उसपे डॉट डॉट स्पॉट होते हैं ब्लैक कलर, उसका सिर ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल ऐसे आधे चांद की तरह बना हुआ होता है, बॉल को काट दिया जाए और उस आधी बॉल की तरह होता है वो होता है कोलियोप्टेरा में बीटल्स। आप इसे याद करें, बीटल्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कोलियोप्टेरा। इसका मतलब बीटल्स जो होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होगा एग, लार्वी, प्यूपा और फिर अडल्ट बनते हैं लोग। देखिए इंसेक्टों में कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, मॉथ बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। मॉथ, मॉथ एग्जाम्पल क्या है कि जो जो अपन बटरफ्लाई देखते हैं, तितली देखते हैं, उस तितली की तरह ही उड़ने वाली बड़ी मोटी तितली बोल सकते हो आप उन्हें, तो वो होती है मॉथ। मॉथ बटरफ्लाई दोनों ही किस में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में आते हैं। डिप्टेरा, डिप्टेरा में फ्लाइज आ जाते हैं, आप फ्लाइज में आप देखे होंगे हाउस फ्लाई जो होती है वैसे फ्लाइज आ जाती है, वो आती है डिप्टेरा में। हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा में बी बी वास्प और आर्ट, तीन एग्जांपल आप डंक मारने वाले बोल सकते हो, जो जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रखते हैं उन्हें आप किसमें कवर करते हैं, इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर उसे कवर करते हैं। तो ये वीडियो आपको मैं केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एग्जांपल के लिए बनाया हूँ और उसे आपको याद कराता हूँ, फिर से देखें। हमने इसे दो दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट के पांच ऑर्डर है, HHT, HHITO, ठीक है, होमोप्टेरा, हेटरोप्टेरा, आइसोप्टेरा और उसके बाद में थाइसेनोप्टेरा और ऑर्थोप्टेरा। वैसे ही यहाँ आएगा CLDH, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा। इसमें होमोप्टेरा के दो एग्जांपल है एफिड और लीफ ओवर, हेटरोप्टेरा के एक एग्जांपल है बग, आइसोप्टेरा के टर्माइट, उसके बाद में थिसेनोप्टेरा के थ्रिप्स और ऑर्थोप्टेरा के लोकस्ट, ग्रास ओवर और कॉकरोच, कोलियोप्टेरा का बीटल, लेपिडोप्टेरा के मॉथ और बटरफ्लाई उड़ने वाले जो ना दोनों ही है, और डिप्टेरा की फ्लाइज ये भी उड़ने वाले होंगे, और हाइमेनोप्टेरा जो क्या रखने हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर, और वो किस में आएगा, बी वर्ब्स और आर्ट्स में होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आज यहाँ तक ही रखेंगे अपन, और कल जो अपन टॉपिक लेंगे वो लार्वा, लार्वा के बेस पे बनाएंगे, ठीक है, और उस टॉपिक को पूरा करेंगे कल। और आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई एग्जांपल ऐसा याद नहीं हो रहा हो, अगर आप आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, आप मुझे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो, मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपसे हमेशा सजेशन मांग रहा हूँ और आप मुझे दे भी रहे हैं, आपका यही प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।